देश भर में अभी भी CAA और NRC को लेकर दो खेमे अपनी तैयारी के साथ सड़कों पर उतर रहे हैं। भोपाल में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने विरोध की आवाज बुलंद की तो देश के दूसरे शहरों में भी समर्थन में नारा गूंजा। मुख्यमंत्री कमलनाथ के नेतृत्व में करीब हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारियों ने भोपाल की सड़कों पर हाथों में बैनर पोस्टर तिरंगा के साथ विरोध का नारा तेज किया। CAA और NRC को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि जब तक प्रदेश में कमलनाथ सरकार है, धर्म विरोधी, समाज विरोधी, संविधान विरोधी ऐसा कोई कानून लागू नहीं होगा। देखिए हमारी एक खास खबर। बता दें, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बुधवार को नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी NRC के विरोध में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने शांति मार्च निकाला। इसका नेतृत्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने किया। इस मार्च को उन्होंने शांति मार्च का नाम दिया। इसमें हजारों की संख्या में लोग गांधी टोपी पहनकर और हाथों में तिरंगा लेकर शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों के हाथों में तिरंगे थे, पोस्टर थे जिस पर लिखा था, नागरिकता पर कैसा सवाल, हम सब हैं इस मिट्टी के लाल, और मुद्दों से भटकाना बंद करो, आपस में लड़वाना बंद करो, मार्च में NRC का बहिष्कार करो, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, भारत माता की जय जैसे नारे लगाए गए। प्रदेश के मुख्यमंत्री से जब इस सिलसिले में सवाल किए गए तो उनका कहना था, भले ही किसी ने साइन किए हो लेकिन प्रदेश में ऐसे धर्म विरोधी, संविधान विरोधी, समाज विरोधी कोई कानून लागू नहीं होगा जब तक मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार है। किसी ने कोई साइन कर दिया जो जन विरोधी, संविधान विरोधी, समाज विरोधी, धर्म विरोधी, ऐसा कोई कानून हो, ये मध्य प्रदेश में कभी लागू नहीं होगा जब तक कांग्रेस की सरकार है। ये मध्य प्रदेश में कभी लागू नहीं होगा जब तक कांग्रेस की सरकार है। ये मध्य प्रदेश में कभी लागू नहीं होगा जब तक कांग्रेस की सरकार है। ये हमारा शांति मार्च था, ये कोई संकट मार्च नहीं है, ये हमारा शांति मार्च था। बोलो बोलो जोर से। बता दें, वैसे मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पहले ही साफ कर दिया है कि इस कानून को राज्य में लागू नहीं किया जाएगा। इंदौर से दाऊद कुरैशी की रिपोर्ट।